नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। सीबीएसई रिजल्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को सूचनाएं दी जा रही हैं, और दोस्तों मैं आप लोगों से लगातार बता रहा हूं कि जो भी अपडेट होगी सबसे पहले प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों सीबीएसई के रिजल्ट के अकॉर्डिंग आज कितने बजे रिजल्ट जारी होगा दोस्तों, इसके बीच में महत्वपूर्ण सूचना आई है उसके बारे में आप लोगों को अपडेट करें। उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चैनल पर अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुंचते रहे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो भी सूचना आती है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। नहीं तो चलिए मैं आपको गूगल पे लिए चलता हूं कि कैसे आप देख सकते हैं, ठीक है, अपना रिजल्ट भी और कोई भी नोटिस आता है तो कैसे चेक कर सकते हैं। चलिए इसके लिए हम आपको सीधे गूगल पे लिए चलते हैं। गूगल पे आने के बाद दोस्तों यहां पर सर्च करना होगा pkrresult.com। दोस्तों अगर आप गूगल पे नहीं आना चाहते हैं तो डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जा सकते हैं। तो जैसे ही pkrresult.com पर सर्च करेंगे दोस्तों यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, जो भी नोटिस आती है जो भी सूचना आती है यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जो यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो छिब्बर की निधि छिब्बर की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि जो सीबीएसई का परिणाम है बिल्कुल भी आपका बन के तैयार हो गया है, औपचारिकताएं बस मात्र रह गई हैं, किसी भी समय आप लोग का रिजल्ट जारी हो सकता है। तो आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ आप लोग लगातार साइट पर विजिट करते रहें। ऑफिशियल साइट ज़्यादातर क्रैश हो जाती है क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है। कल आपने देखा कि 35 लाख अभ्यर्थी एक साल विजिट कर गए तो ट्रैफिक क्रैश हो गई थी। लिंक दिया हूँ, इस लिंक पर चेक करते रहिए और जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सूचित करेंगे। चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। जय हिंद, जय भारत।